अभी गया था अगले में। अरे सर 12 बजे का प्रोग्राम था, 2 बज चुके हैं हम तो। अच्छा, हम तो भैया आपको रेडी थे, हम तो हमको 2 बजे नहीं बुलाया, हमको बुलाया 1 बजे था, हमें तो बुलाया है अभी। मैं तो मैम 12 बजे से बोल रहा हूं, हम तो रेडी, हम तो 12 बजे रेडी बैठे थे। ले ले ले, कोई बात नहीं, ले लो, थोड़ा सा आगे लो लाइट आ गई। मैडम ये 2 साल का कोविड का एक्सपीरियंस है, इसके बाद ये शुरू हो गया था, क्या माने इससे कुछ पॉजिटिविटी आई ये जो 2 साल में जो कोरोना महामारी थी, एक वैश्विक महामारी थी, उसमें भी हमारे राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री महोदय ने जो प्रबंधन किया वो पूरे वर्ल्ड में सराहनीय रहा। उसके बाद में अब जैसे ही ये फिर उस बीच में ओमिक्रॉन की हवा आ गई थी, उसके बाद में पूरा हमारा राजस्थान की अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें, सबसे पहले युवा को वैक्सीन फ्री लगाने का हो या पैदल नहीं चलेगा, भूखा नहीं सोएगा, ऐसी जो योजनाएं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चलाई उसे राज्य। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उद्घाटन किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता बीके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बीके, देखिए क्रेडाई राजस्थान का रियल एस्टेट एक्सपो का आज आगाज किया गया, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? जी हाँ, यहाँ पर ये उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इसका उद्घाटन किया है और यहाँ जो RTDC के चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़ उनके साथ मौजूद है, साथ ही रेरा के जो चेयरमैन है NC गोयल भी मौजूद है और इन्होंने यहाँ इसका उद्घाटन किया है एक्सपो का। तो उद्घाटन के बाद अभी ये विजिट जारी है, जिन्होंने यहाँ बिल्डर्स ने अपनी स्टॉल्स लगाई हैं तो वो सभी ने अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्राइम प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ डिस्प्ले किया है। अब 4 दिन तक लगातार ये यहाँ पर तमाम जो राजस्थान के टॉप बिल्डर्स हैं उन्होंने अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका यहाँ पर उनकी प्रस्तुति है और जो खरीदार है, बुकिंग करने वाले हैं उनके लिए एक ही जगह पर राजस्थान के सभी बिल्डर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। तो उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि इससे गर्मी के मौसम में ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे इधर उधर बिल्डर्स के, यहाँ उनको एक ही जगह पर एक अच्छे माहौल में एयर कंडीशन डोम के अंदर ये तमाम अगर उनके घर की जरूरतें हैं और वो सब कुछ यहाँ पर एक ही जगह उनको मिलेगा, वो अपनी क्वेरी कर सकते हैं, बिल्डर्स के साथ में डील कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो धीरेन्द्र मदान है क्रेडाई राजस्थान के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि यहाँ हम 20 से 30% तक सस्ती यहाँ कीमतों पर
यहाँ जो बुकिंग करा रहे हैं उनको इस एक्सपो में उसका लाभ दे रहे हैं, क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी है, रॉ मटेरियल की कीमतें काफी ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ वो पुरानी जो कीमतें हैं उन्हीं पर बुकिंग की जाएगी, उसी पर ये यहाँ पर सारे जो डील है प्रॉपर्टी की वो की जाएगी। तो यहाँ एक विशेष एक तरह से इसको ऑफर माना जा सकता है कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हुई है उसका असर उपभोक्ताओं को नहीं होगा, तो इस तरह से ये, और जो कि 2020 में कोविड आया था और उससे पहले ये एक्सपो हुआ करता था, लेकिन कोविड के बाद ये एक्सपो हुआ नहीं, और इसके बाद में अब ये धीरे धीरे जैसे कोविड का असर खत्म हुआ है तो ये एक्सपो हुआ है, तो एक पॉजिटिविटी भी इसको मानी जा सकती है कि उस इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी आएगी। और एक चूंकि रियल एस्टेट जब चलता है तो सारे लगभग 200-300 दूसरे जो सेक्टर हैं वो सब चलते हैं, क्योंकि घर बनाने में सब कुछ आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रिकल्स है, और तमाम जो चीजें हैं, होम अप्लायंसेस हैं, किचन अप्लायंसेस हैं, उन सबकी सेल होती है, उनकी बिक्री होती है, तो उससे पूरा बाजार आगे चलता है अगर रियल एस्टेट आगे बढ़ता है तो। तो अगर यहाँ इस शो सफल होता है, अच्छी बुकिंग होती है या अच्छी प्रॉपर्टीज की सेल होती है, तो इससे पूरा फायदा इसका पूरे बाजार को मिलेगा, पूरे प्रदेश के जो दूसरे तमाम सेक्टर हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बेहतर प्रयास है क्रेडाई राजस्थान का, और ये एक्सपो 4 दिन तक चलेगा यहाँ पर, तो शहर के बीचों बीच में राजमहल पैलेस के परिसर में ये लगाया गया ताकि लोग यहाँ आसानी से पहुंच सके। ये माना जाए कि अब ये अच्छा इवेंट है और एक पॉजिटिविटी और अच्छे संकेत इससे बाजार को, उपभोक्ताओं को, सरकार को मिल रहे हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि एक्सपो सफल हो और आगे भी इसके जो सकारात्मक परिणाम है वो सामने नजर आए। जी जी, शुक्रिया बीके तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इसका उद्घाटन किया है। हाँ जी बिल्कुल, सर भैया ये करीब 32 साल हो गए सर, सर तो आप सामने आ जाइए, ये पीछे आ जाइए, क्रेडाई राजस्थान का रियल एस्टेट एक्सपो का आगाज आज किया गया। होटल राजमहल में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इसका उद्घाटन किया। आरटीडीसी चेयरमैन राठौर, रेरा चेयरमैन गोयल मौजूद रहे। ऐसा है, ये सबको आराम रिलैक्स हो जाए।